हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं और सभी गर्मियों में प्याज का सेवन तो करते ही हैं, तो आज मैं आपके साथ इस चटपटे अचार की बहुत ही सरल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं कि आप कितने आसानी से प्याज और मिर्ची का अचार डाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, और वीडियो पे आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो में बने रहिएगा। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सिंपल सी रेसिपी है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्याज, छोटे छोटे प्याज लिए थे, उनको छील लिए थे। प्याज छीलने के बाद मैंने प्याज के ना कट लगा दिए थे, मतलब चार छोटे छोटे हमें ना कट लगाने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज को धो लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बास्केट ली है, और जो प्याज धोने के बाद जो पानी होता है एक्स्ट्रा, ताकि वो निकल जाए, मतलब छन जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अब छनने के बाद मैंने 10-15 मिनट बाद मैं यहाँ पे प्याज ले लिया है। प्याज में मैंने डाले हैं नमक, मिर्ची, हल्दी और मस्टर्ड ऑयल मैंने थोड़ा सा गर्म कर डाला है। तो इसी तरीके से आप ईजी, मतलब अचार तो बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने डाली है हरी मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची और प्याज अगर दोनों का ही मिक्स करके अचार बनाते हैं तो अचार का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप इजी तरीके से अचार बना सकते हैं। और इसमें मैंने डाली है राई, राई के दाने लिए हैं। उसको पीसने के बाद हमें थोड़ी सी राई भी डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं ना थोड़ी सा ही अचार डाल के आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर इस अचार में अगर आप ऑयल डालते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो बार ऑयल डाला है। एक बार पहले डाला था तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे और भी ऑयल डाल दिया है। लेकिन ऐसा होता है कि इस अचार में ना पानी अपने आप ही आ जाता है, जो प्याज वगैरह होते हैं ये पानी छोड़ते हैं, तो इसीलिए ऑयल तो कम ही डालना चाहिए। लेकिन मैंने हाँ जितने अचार के हिसाब से मैंने ऑयल डाल दिया है। और इसके बाद मेरे पास कांच वाला कंटेनर नहीं था, तो प्लास्टिक का डब्बा है, तो मैं इसी में ही अचार डाल रही हूँ। और कांच का जो कंटेनर था वो टूट गया था, तो आपके पास अगर जो भी डब्बा हो, कांच वाला हो या प्लास्टिक वाला हो, तो उसको साफ़ करके एकदम से आप डाल सकते हैं। तो ये नाइट का टाइम है, नाइट को ही दोस्तों मैंने अचार डाला था, और सुबह तक ये अचार अच्छे से बन जाता है। तो गर्मी में अगर आप भी लू से बचना चाहते हैं तो एक बार मिर्ची और प्याज का अचार ज़रूर ट्राई करके देखें, और सच में खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सिंपल सी दोस्तों ये रेसिपी थी, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने अचार डालने के बाद जैसे ही खा कर देखा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी अचार बना था। तो फाइनली यहाँ पर अचार रेडी हो गया है। सो दोस्तों आप भी अगर लू से और गर्मी से बचना चाहते हैं तो एक बार प्याज का और मिर्ची का अचार को एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए।